की जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को आज शॉर्टलिस्ट करने के लिए भाजपा चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस में होनी है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना करेंगे। इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर लद्दाख तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, सह प्रभारी आशीष सूद, पार्टी महासचिव अशोक कौल के साथ साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और मंथन किया जाएगा। बैठक में सभी 5 निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्य जोर जम्मू, कठुआ, उधमपुर, अनंतनाग, राजौरी लोकसभा सीट पर रहेगा। समीर हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जो फीडबैक मिला है, जो सर्वेस कराए गए हैं, उसके आधार पर आज नामों पर मंथन किया जाएगा। फिर ये नाम, जो संभावित नाम है, ये आलाकमान के पास भेजे जाएंगे और फिर इन नामों पर मोहर लगेगी। इस लिहाज से ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण मानी जाए, साथ ही साथ कौन कौन से बड़े चेहरे, माना यह जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ प्रभारी तरुण चुग और रविंद्र रैना इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ जानकारियां? समीर, देखिए जैस्मिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोसेस चल पड़ा है कई दिनों से, लगातार मीटिंगों का दौर और मंथन का दौर, जिसमें कैंडिडेट्स के चयन का प्रक्रिया जो है, उसके लिए अब ये आखिरी प्रोसेस, आज आखिरी मीटिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे जब चर्चा, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट किए गए हैं, देखिए हर एक सीट के लिए तकरीबन 3 से 4 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जो 4 कैंडिडेट्स हर एक सीट के लिए, चाहे जम्मू की सीट हो, उधमपुर की सीट हो, या कश्मीर वैली में जितनी 3 सीटें हैं उनके लिए, लेकिन उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों पर किस पे मोहर लगनी है, ये तो सेंट्रल हाईकमान और जो केंद्रीय जो सेंट्रल बोर्ड है, बीजेपी का केंद्रीय समिति है, वो उस पर फाइनल करेगी। लेकिन यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट जाएंगे उन पर आखिरी मोहर लगेगी कि आखिर वो कौन से स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं जिन पर मंथन होगा हाईकमान में। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 1 से 2 नाम हर एक सीट के लिए फाइनल किए जाएंगे, फिर आखिरी फाइनल नाम सेंट्रल हाईकमान करेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। और लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जम्मू हो, उधमपुर हो, या अनंतनाग की सीट, ये 3 सीटों पर ज्यादा मंथन होगा। श्रीनगर और बारामूला में अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी वहां से किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बैक करेगी, या कोई अलायंस में जा सकती है किसी बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, जो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, नॉन पीडीपी, नॉन एनसी पार्टीज हैं, जिसमें अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी है, सज्जाद लोन पार्टी है, और भी कोई इंडिपेंडेंट होगा, तो उनके साथ कोई अलायंस हो सकता है क्या? वो श्रीनगर और बारामूला की सीटों पर ये ऑप्शन पार्टी ओपन रखना चाहती है। लेकिन 3 सीटें जो उधमपुर, उधमपुर की, जम्मू की और अनंतनाग पर ज्यादा आज फोकस रहने वाला। शेष नेता, जिस तरह आपने बात भी कही, यहाँ जो आशीष सूद से लेकर तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, अशोक कौल, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सुनील शर्मा है, इसी तरह से जो यहाँ पे मनियाल है, बहुत सारे जो समिति के जो है, इलेक्शन समिति के, जो चुनाव समिति के यहाँ पे सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, मंथन रहेगा, दिन भर मंथन रहेगा कि आखिर जो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का जो टारगेट है, जिस तरह हम पहले से लगातार कह रहे हैं कि न सिर्फ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की जो सीटें जो उसने 2014-19 में जीती हैं, उसको रिटेन करना, 19 वाली सीटों को, बल्कि एक और ऐड करना चाहती है पार्टी, वो है अनंतनाग की, उस पर पूरा फोकस भी है, और एक स्ट्रांग कैंडिडेट वहां से अनंतनाग सीट से पार्टी। समीर, अगर फैक्टर्स की बात की जाए, 2 बातें हैं। एक तो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है बीजेपी के लिए। दूसरी बड़ी बात कि जिन 3 सीटों का जिक्र आपने किया, जम्मू, उधमपुर और अनंतनाग राजौरी की सीट, जो अभी परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है, अगर घाटी की 2 सीटों को छोड़ दिया जाए, जम्मू उधमपुर सीट पर एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है, अनंतनाग राजौरी सीट क्योंकि नई सीट है, साउथ कश्मीर का भी इलाका उसमें शामिल है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो सीट भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। तो किसी ऐसे चेहरे पर दाव बीजेपी खेलना चाहेगी जिसमें हार की गुंजाइश बेहद कम हो, कोई संभावित नाम अभी तक सामने आए?
देखिए, जो मेरी बीजेपी के जो सीनियर लीडरों से कुछ दिन पहले बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हो सकता है हम एक गुज्जर लीडर को अनंतनाग से चुनाव लड़वाएं। ऐसी भी चर्चा है कि रविंदर रैना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको उनको पार्टी वहां से उतार सकती है, क्योंकि उनका वो लगातार वहां अनंत साउथ में टूर कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप पूंछ राजौरी की बात करें तो वहां राजौरी तो उनका अपना गांव मतलब घर ही है, तो हो सकता है कि रविंदर रैना को वहां से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन रविंदर रैना के लिए बीजेपी जम्मू से भी दांव खेलना चाहती है। बहुत सारी चेहरे नए, बहुत सारी चर्चाएं गर्म है, लेकिन देखिए बात यह है कि जो फुल एंड फाइनल जो अथॉरिटी है वो केंद्रीय समिति है पार्टी की, वो डिसाइड करती है। लेकिन कई नामों के चर्चाएं हैं, नए चेहरों पर भी बात हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत बड़ा और पुराना और बड़े दिग्गज नेता है, उधमपुर से वो दो बार चुनाव जीते भी हैं और मंत्री भी हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं पीएमओ में, तो वो वहां से दोबारा अपना दांव हम ये कह सकते हैं क्लेम कर रहे होंगे। लेकिन जम्मू की सीट हो या अनंतनाग की सीट हो सकता है कि नए चेहरों को इस बार इसमें मैदान में उतारा जाए। और खासकर अनंतनाग की जो सीट है उस पर पार्टी जो है पूरा फोकस कर किए हुए है, क्योंकि देखिए अगर वैली से चुनाव जीतती है पार्टी, अगर वैली से अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसका आगामी जो विधानसभा पोल्स है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और पार्टी चाहती है कि जम्मू तो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक ही है, वो चाहती है कि वैली में कम से कम वो अपना एक अच्छा वर्चस्व वहां कायम कर सके, ताकि अगर वैली से कुछ सीटें वो विधानसभा पोल्स में हासिल करती है तो जम्मू की ऐड करके वो अपनी सरकार यहां पे बना सकती है या अलायंस में किसी पार्टी के साथ जा सकती है। तो फोकस है पार्टी का बीजेपी का कि कहीं ना किसी तरह से जो अनंतनाग राजौरी की जो सीट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस टारगेट किया है। जिस तरह से पहाड़ियों को अभी रिजर्वेशन भी मिली है, गुजर को भी अपने पाले में करने की पूरी कोशिश है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जिससे पार्टी जो है हर एक समाज के हर एक वर्ग और खासकर जो वोट बैंक है राजौरी पूंछ में पहाड़ियों को, जिस तरह से उनको रिजर्वेशन मिली है, फैसिलिटीज मिली है, तो तब से पार्टी को कई नेता उसमें शामिल भी हुए हैं बाकी पार्टियों से रिजाइन करके, तो उससे बीजेपी के हौसले बुलंद है। और बीजेपी को लगता है कि ये जो सीट है अनंतनाग की सीट, अगर इस पर ज्यादा मेहनत की जाए और एक स्ट्रांग कैंडिडेट इस पर उतारा जाए तो पार्टी को लगता है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, देखिए वो भी एक गुजर नेता को वहां से चुनाव लड़वाना चाहती है। और मियां अल्ताफ के नाम की चर्चाएं जोरों से है, मियां अल्ताफ फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं और गुजर नेता हैं और उनकी अच्छी पैठ है गुजर बकरवाल में पहाड़ियों में, तो कोई हर कोई पार्टी अब यही चाहती है कि उस अनंतनाग सीट पर एक गुजर नेता को, और जो बीजेपी नेता है वो भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है उस पर एक गुजर नेता पर दांव लगाया जाए। अब देखिए अब कुछ ही दिनों में ये सारी तस्वीरें साफ होगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी का फोकस यह है कि एक एंटी इनकंबेंसी जो पहले थी उसको ध्वस्त किया जाए, डिफीट किया जाए एंटी इनकंबेंसी को, और इसीलिए नए चेहरों को के साथ भी चुनाव यहां पे। समीर, कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जहां एंटी इनकंबेंसी एक फैक्टर है, तो इसके अलावा गुर्जर बकरवाल समुदाय को किस तरह से साधना है। एक तो उनके लिए बिल लाकर पहले ही सरकार ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरा जो उन्हें रिप्रेजेंट करे ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, नजर आप बना के रखे समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।